वो मेरे FIR नहीं ली जा रही है, बताइए एक केस का घनघोर अत्याचार हो रहा है, बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश से, इस मीडिया से, तब तो मीडिया आ जाती, तुरंत आ जाती है। उसके चार बार बयान ले चुके हैं, अभी मेरा पहला बयान हो रहा है मीडिया के सामने कि किसी का मर्डर हुआ है। दिखा दिया, माफिया बना दिया, खनन माफिया बना दिया उसको। और मेरे उसको पता था कि ये पुष्पेंद्र है, पुष्पेंद्र से मिल रहे हैं, जो मर्डर हो गया उसका, तो फिर परिजन को सूचना देनी चाहिए। कोई परिजन को सूचना नहीं है, हमको सुबह 8-10 बजे पता चल रहा है कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। व्यवस्था करके वो विदे आए थे, फिर भी दोबारा गए थे 50,000 उस दिन लेके। जब उनसे दोबारा रुपए और मांग रहे थे, तब उनने ये कह दिया कि हमें रुपए वापस कर दो। जब उन लोगों ने रुपए वापस नहीं किए, इन लोग इनको मार डाला, इनको हमें न्याय दे दो, हमें न्याय चाहिए, हमें पति को हमें न्याय दे दो। सर क्या घटना घटी, सर क्या हुआ? थाने से निकले थे गश्त और पता रहा जेपी जी और हम थे, और ये सौरभ भी था, प्राइवेट गाड़ी से, जिससे बमरौली किराए पे, वही करीब टाइम रहा होगा 9 के आसपास, 9-10 हुआ हो। जैसे पहुंचे, एक आदमी नहा दिया, मैंने गाड़ी रोक दी। उसने नजदीक आया, तुरंत तमंचा निकाल के मेरे पैर गोली मारी, एक ने इधर से मारी, दूसरे ने ये इस साइड लगी, एक ने इस साइड। इसके बाद जो है हमारी गाड़ी गाड़ी देखे कार के, हमारी जो प्राइवेट डेटा और मोबाइल लेके भाग गए। हमलावर कौन है? वो हमलावर एक पुष्पेंद्र है और विपिन है और रवीन। सर हमले का कारण क्या है? सर 12 बजे घर से निकला था, अब इन्होंने आने में देर कर दी, क्या कर दी, मोठ में ही घूमता रहा होगा लेके पैसे। और जब इनको पैसे देने की बारी आई तो फिर इन्होंने गाड़ी को नहीं छोड़ा, बोला और पैसे चाहिए मेरे को। तो भाई बोला और पैसे क्यों चाहिए, जब आपने 1.5 लाख की बात की थी, 1 लाख पहले दे चुका हूँ, 50,000 और लीजिए आप। इन्होंने 1.5 लाख रुपए ले लिया, तो भाई बोला नहीं और पैसे लाने तब छोड़ूंगा। तो भाई बोला नहीं छोड़ना आपको, तो मेरे पैसे वापस कर दीजिए, आप गाड़ी को रखिए आप। तो इन्होंने कहा सुनी होके उसको पैसे के लालच में, इसको पैसा वापस ना करना पड़े, और उसको गोली लगा दी, कनपट्टी पे गोली मार दी, इसको मारा गया। और मैं पूरे देश से एक गुजारिश करता हूँ कि एक मैं CSF का कांस्टेबल, मैं भी वर्दीधारी आदमी हूँ, अपने बीवी बच्चे माँ बाप को छोड़ के मैं बाहर ड्यूटी करता हूँ, लेकिन पुलिस मेरा रक्षा न करके मेरे परिवारजनों का, मेरे परिवार के आदमियों का मार देती, हत्या कर देती और एनकाउंटर दिखा देती है। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से मेरा अनुरोध है कि इस सिपाही की, निहत्ते सिपाही की एक सुनी जाए, पुकार सुनी जाए और CBI जांच कराई जाए, जिसमें अगर मेरी भी गलती पाई जाती है तो मुझे भी सजा दी जाए। और मैं ड्यूटी में था, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिसने मेरा बयान में मीडिया के सामने बयान दिया है, कोई ऐसे लिख के नहीं दिया उसने, मीडिया के सामने बयान दिया है कि उनसे पूछा गया कि आपके पास आरोपी कौन कौन थे, तो बताता है कि विपिन, पुष्पेंद्र और रविंदर मेरा नाम लिया जाता है। वो अभी अभी पुलिस आके मेरे को बताती है, बोले आपका नाम काट दिया हमने। मैंने कहा मैं नाम कटवाने आया हूँ यहाँ पे, मैं अपने भाई का एकदम निष्पक्ष जांच कराने आया हूँ, और दोषी को गिरफ्तार किया जाए, निर्दोष को निर्दोष करार दिया जाए। यही मेरा गुजारिश सभी से, देशवासियों, मैं चाहता हूँ तमाम मेरे फोर्स वाले इस बात को सुने और हमारी सहयोग करें।